पश्चिम बंगाल में मंगलवार को दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड के 132वें संस्करण के लिए ट्रॉफियों का अनावरण किया गया। इस वर्ष यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और 3 सितंबर तक चलेगा। ट्रॉफियों के अनावरण कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना के 2 पूर्व अधिकारियों ने यहां स्थित पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची बिल्डिंग द 42 की 65वीं मंजिल से पैराशूट से छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया। अनावरण समारोह में पूर्वी सेना कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता और मुख्य अतिथि बंगाल के खेल व युवा मामलों के मंत्री अरूप विश्वास ने दुरंत कप के 3 शानदार ट्रॉफियों का अनावरण किया। इस दौरान तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों समेत अन्य गणमान्यों के लोग भी शामिल थे। इस अवसर पर खेल मंत्री अरूप विश्वास ने कहा कि इस बार कोलकाता में डूरंड कप के 6 मैच होंगे। 3 सितंबर को फाइनल मैच भी कोलकाता के युवा भारती स्टेडियम में खेला जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार डूरंड कप के सफल आयोजन के लिए भारतीय सेना को पूरा सहयोग व समर्थन देगी। एशिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में इस साल देश की 24 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें शीर्ष डिवीजन इंडिया सुपर की सभी 12 टीमें भी शामिल हैं जो इसमें हिस्सा ले रही है। पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल की टीमें भी इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी।